मुझे नहीं पता आप सब लोग ये वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 2023 साल में सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। तो अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, कोई संकल्प अगर ज़िंदगी में लेना है, तो क्या हम वो 2023 आने पर लेंगे और तब तक क्या ज़िंदगी को बर्बाद करते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारी ज़िंदगी के इतने इम्पोर्टेंट एक दिन हम बर्बाद नहीं कर सकते। वो लोग जो नए साल आने पर कुछ करना शुरू करेंगे और वो लोग जो कि इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद वो करना स्टार्ट करेंगे जो 2023 में करने वाले थे, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? आप उन लोगों में से एक दिन आगे निकल जाओगे जो कि 2023 आने पर कुछ करना शुरू करेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि करना क्या है? क्या वही सब बातें जो हर कोई कर रहा है, या फिर वही सब बातें जो हर वीडियोस में देखने को मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, कोई भी इंसान हो, चाहे वह दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर ही क्यों ना हो, कोई कुछ भी कह रहा हो उसकी बात पर आंख बंद करके विश्वास कभी मत करना। जब तक आपको अंदर से ना लगे कि यार ये बात सही है या फिर गलत है, तब तक किसी की भी बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। देखो, हमारी क्या आदत होती है, किसी ने कुछ भी कहा, हमने सुना और सुनकर हम तुरंत ही विश्वास कर लेते हैं और फिर उस काम को करना हम स्टार्ट कर देते हैं और कुछ टाइम के लिए हम वो चीज़ें करते हैं और फिर से अपने नॉर्मल स्टेट में हम आ जाते हैं। और ये करके ना बहुत बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई वीडियो देखा और उसमें वो बता रहे हैं कि अपना नया साल किस तरह से शुरू करें, साल में क्या क्या चीज़ें करें। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, ये हैबिट डेवलप करो, वो हैबिट डेवलप करो, फ़ोन को चलाना कम कर दो, कितने ही सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इनमें से एक भी चीज़ें करने के लिए नहीं कहूँगा। आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेंगे। आप में से शायद ऐसे कुछ लोग होंगे जिनका ड्रीम होगा क्रिकेटर बनने का, वो क्रिकेटर बनना चाहते होंगे। अब क्रिकेटर बनने के लिए आपको बुक्स पढ़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है, उसका उससे क्या ताल्लुक? आपको ये हैबिट डेवलप करनी है, आपको वो हैबिट डेवलप करनी है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो, जिनका लाइफ में कोई गोल होता है ना, वो ये सारी चीज़ें करते भी नहीं हैं। ये सारी चीज़ें वही लोग करते हैं जिनको नहीं पता होता कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, तो वो वही सारी चीज़ें करते हैं जो कि यूट्यूबर्स अपने वीडियोज़ में बताते हैं। और ना ही इनकी एनर्जी अपने गोल पर जाती है और ना ही इनकी पूरी एनर्जी वहाँ पर जाती है जो कि यूट्यूबर्स अपने वीडियोस में बताते हैं उनको फॉलो करने में। वो सारी चीज़ें भी आप ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके अंदर से नहीं आई हैं, कोई और इंसान ने आपके अंदर डाली है। मैं ज़्यादा घुमा फिरा करके बातें नहीं करना चाहता। सीधा सा मेरा मकसद ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, आपको यही नहीं पता कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, तो जल्दी से पता करो कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, वरना ज़िंदगी तय कर लेगी कि आपका क्या करना है। और जिन भी लोगों का ऑलरेडी अपनी लाइफ में कोई गोल है, जिनको ऑलरेडी पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो उनको मैं यही एडवाइस दूंगा कि सारी चीज़ों को साइड में रखकर आप सिर्फ वो काम करो और वो सारे काम करो जिनका आपके गोल से कोई ना कोई कनेक्शन है। मैं आपको बुक्स पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा, आप बुक्स पढ़ो, लेकिन जो आपको अपने फील्ड में सक्सेस दिलाएगी, जो आपकी ज़िंदगी में एक्चुअल में कोई वैल्यू ऐड करे, वैसे बुक्स पढ़ो। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए सब कुछ करना चाहिए। तो नया साल आने वाला है, नया साल आएगा, नया साल चला भी जाएगा, नए साल आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आपका जो जोश है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर नया साल शुरू होने में एक घंटा भी बाकी है, तो एक घंटे का भी वेट मत करो, क्योंकि मान लो पूरी दुनिया एक घंटे का वेट कर रही है और आपने एक घंटे का भी वेट नहीं किया, वो करना स्टार्ट कर दिया जो आप करने वाले थे, तो आप पूरी दुनिया से एक घंटे आगे निकल जाओगे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, तो प्लीज़ 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 अपने ज़िंदगी में अपना लक्ष्य निर्धारित करो। और अगर लक्ष्य है, तो आपको न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर काम करते रहो और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप करो। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस चीज़ इसका मेरा गोल से कोई कनेक्शन नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को आप नकार दो। फिर चाहे कोई भी इंसान हो, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई भी हो, कोई हो, कोई गुरु हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, उसकी बात पर ध्यान मत दो। और आप सबके सपने के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।